नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। हमारे साथ है हमारी सहयोगी अनामिका। देखिए अनामिका, कल जिस तरह से केसीआर चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम बिहार दौरे पर थे, कहा जा रहा था कि वो बिहार में एक कार्यक्रम गलवान में जो शहीद हुए थे उनको आर्थिक मदद करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन इसके इतर भी एक राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो इसके इतर भी एक राजनीति चल रही थी। विपक्ष की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये वही केसीआर हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे कि प्रमाण चाहिए कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या नहीं। और करीब दो साल बाद गलवान में शहीद हुए शहीदों की याद उनको आई, तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि जो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे थे वही शहीदों पर राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है आप? कोमल, पहली चीज़ तो ये कि इसको एक तरीके से विपक्ष की नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव की जीत के तौर पर भी लोग देख रहे हैं कि भाई उनको एक जीत मिली है, चंद्रशेखर राव यहाँ पर पहुँचे हैं। और नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई जिसको लेकर के चर्चा चारों तरफ हो रही है। उस तस्वीर में पहली तस्वीर ये थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें नीतीश कुमार कई बार असहज अपने आप को महसूस कर रहे थे, और असहजता उनकी इस बात को लेकर के थी कि जब पीएम पद की उम्मीदवारी की बात हो रही थी तो नीतीश कुमार बार बार उठ के खड़े हो जा रहे थे, जहाँ पर चंद्रशेखर राव को उनको हाथ खींच के बैठाना पड़ा था, कुर्ता खींच के बिठाना पड़ा था और बोलना भी पड़ा था कि प्लीज बैठ जाइए। हालांकि बाद में वो बैठ तो गए थे, लेकिन उस टाइम मतलब कितने वो असहज महसूस मतलब कर रहे थे वो साफ दिख रहा था कैमरे पे। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ मतलब केसीआर थर्ड फ्रंट की ओर से कई सालों से वो एक्टिव रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को लेकर वो एक्टिव रहे हैं, ममता बनर्जी हो गई या फिर केसीआर हो गए, तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या चंद्रशेखर राव विपक्ष के पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर सीएम नीतीश? तो इस सवाल पे चंद्रशेखर राव ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि नीतीश जी एक अच्छे नेता हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, भाई तुल्य हैं। तो और चंद्रशेखर राव ने ये भी साथ साथ कहा कि विपक्ष हम लोग सब एकजुट होके और बीजेपी को रोकने की 2024 में ज़रूर तैयारी करेंगे, क्योंकि बीजेपी को रोकना देश के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और जब वो लालू से मुलाकात करने भी पहुंचे थे तब भी वहां पर लालू के तेवर एकदम से अलग ही देखे, लेकिन फेर बदल में माहिर नीतीश को भी लालू अच्छे से जानते हैं, तो लालू ने एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया 2024 के पीएम उम्मीदवार के रूप में, उनका नाम नहीं लिया। वो उन्होंने सीधा कहा कि केसीआर एक मतलब दावेदार, तो उन्होंने नाम नहीं लिया कि दावेदार हो सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर इशारों में कह रहे थे कि केसीआर दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कमल यहाँ पर ये आती है कि आखिर नीतीश कुमार असहज महसूस क्यों कर रहे थे, बार बार उनको क्यों बैठाना पड़ रहा था। तो देखिए, एक ना एक हर आदमी किसी ना किसी से कुछ उम्मीद रखता है, और नीतीश कुमार की उम्मीद ये थी केसीआर से जब वो पटना पहुँचे थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों के साथ में हुई थी, तो ये उम्मीद थी कि जो पीएम पद के दावेदार की या फिर उम्मीदवार की जब चर्चा हो तो एक नाम जो है एटलीस्ट वो पूरे नाम का खुलासा ना करे, लेकिन पूरी तरीके से खुल करके सपोर्ट तो करे। लेकिन चंद्रशेखर राव ने सीधे कहा कि भाई जब वक्त आएगा तब इस बात पर फैसला लिया जाएगा, सर्वसम्मति से हाँ हम लोग फैसला लेंगे। तो ये बात पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थोड़े से असहज महसूस कर रहे थे, बार बार उठ कर जा रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार बार बार इस बात को नकारते रहे कि पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जब से महागठबंधन पार्टी बनी है तब से ही जेडीयू तो कह ही रही है, अब राजद भी कह रही है कि ये दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। बिल्कुल, लाल किला पर जो तिरंगा फहराने की बात बार बार आ रही है कि वो नीतीश कुमार फहराएंगे, इस बात को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है, सभी मंत्री लोग कह रहे हैं। हालांकि देखिए, जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी धुआं उठा था, क्योंकि आग तो लग चुकी थी उसी वक्त से और धुआं भी उठने लगा था। इसके बाद से जब राजद कोटे के मंत्री लोग आए, जब नीतीश कुमार ने अचानक से पलड़ा बदल दिया, उसके बाद राजद कोटे के मंत्री लोग तो खुल करके कहने लगे कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम पद के दावेदार हैं और बन सकते हैं क्योंकि उनमें सारी की सारी काबिलियत है। जदयू कोटे के मंत्री तो कह ही रहे थे, लेकिन अब राजद कोटे के भी, हालांकि उस वक्त बीजेपी की तरफ से कोई भी इस बात को नहीं कह रहा था, चाहे जब बीजेपी सत्ता में थी तभी भी इस बात को लेकर के कोई भी नहीं कह रहा था, लेकिन अब जो है साफ तौर पर बीजेपी जब विपक्ष में बैठ चुकी है तो साफ तौर पर कह रही है कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, राज्य तो संभाल नहीं रहा है, देश क्या संभालेंगे।
जी जी बिल्कुल, बीजेपी का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार से राज्य तो संभल नहीं रहा है, तीसरे नंबर की पार्टी है और 43 विधायकों के बदौलत क्या वो करेंगे, क्या संभालेंगे, क्या पीएम बनेंगे। तो देखिए, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि केसीआर मतलब बिहार दौरे पर क्यों आए। ये मानना बेकार ही होगा कि वो गलवान में शहीदों को आर्थिक मदद के लिए वो यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि ये वही केसीआर हैं जो कोरोना के टाइम पे तेलंगाना से जब मजदूरों को भेजने की बात आई थी तो वे पीछे हट गए थे, एकदम से पीछे हट गए थे। और सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया था कि हमें प्रमाण दो कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या नहीं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2 साल बाद इन्हें गलवान में शहीदों की याद क्यों आई, इससे पहले याद क्यों नहीं आई। अभी जब विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है तभी इन्हें गलवान में शहीदों की याद क्यों आई, ये एक तरह से दिखाने के लिए था कि हाँ एक बहाना था गलवान के शहीदों को लेकर, लेकिन असल मुद्दा था कि राजनीति में ये दिखा सकें, ये एकजुटता का, विपक्षी एकजुटता का एक मंच तैयार इन्होंने किया और ये दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, 2024 में प्रधानमंत्री बीजेपी के रथ को रोकने की तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कोमल आपने कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई हम पूरे तरीके से मजबूत हैं और अकेले नहीं हैं, सिर्फ राजद और जदयू ही नहीं है बल्कि और भी देश के और भी राज्य के लोग जो हैं वो साथ में हैं और बीजेपी का डट करके मुकाबला कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में मुझे और कोमल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।